हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक सपोर्ट। आज मैं आपको जो है पीएम किसान की जो लर्निंग है वो आपकी अगर नो है तो उसे कैसे यस करना है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर आपकी यस है या नो है तो अगर आपकी यस है तो आपकी किस्त आई है, अगर आपकी नो है तो आपकी किस्त नहीं आई तो उसे यस कैसे करना है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कैसे आप बुक कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ से मैं अपने बेनिफिशियरी स्टेटस पर ले चलता हूँ और आपको दिखा देते हैं कि किस प्रकार का आपके यहाँ से नो या यस दिखता है, कहाँ पे दिखता है और आपकी किस्त नहीं है तो आप कैसे चेक कर सकते हैं। बेनिफिशियरी स्टेटस पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक कर देना। रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देता हूँ। चलिए दोस्तों, तो यहाँ से मैंने अपना जो है एप्लीकेशन नंबर नहीं सॉरी दोस्तों रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा फिलअप कर लिया है। इसके बाद आपको सिंपली गेट डाटा पर क्लिक कर देना है। गेट डाटा पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका जो है रजिस्ट्रेशन जो भी डिटेल है वो यहाँ पर शो होने लगेगी और यहाँ पर देख सकते हैं लैंड सीटिंग। सॉरी दोस्तों मैंने कुछ और बोला था, लेकिन ये लैंड सीटिंग है जो आपका एस है यहाँ पर। तो अगर आपका यहाँ पर नो है तो उसे आप कैसे एस कर सकते हैं उसके बारे में आज आपको यहाँ से मैं बताने वाला हूँ कि आप उसे जो है ऐस कैसे कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं पेमेंट आपका यहाँ पे प्रोसेसिंग लिखा है, लेकिन अगर आपका नो है तो यहाँ पे कुछ भी स्टेटस नहीं दिखता है। हो सकता है 11, 12 जो भी आपकी किस्त है उस प्रकार से इसमें रहता है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में बताते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बाजू में वाले बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये सरकार का नियम नया नियम है जो कि सरकार ने स्कैम को रोकने के लिए किया है कि जो एक स्कैम होता है किसी का अकाउंट है, किसी की जगह है, किसी का भी कुछ है, उस प्रकार के स्कैम के लिए अगर आपका सब कुछ सही है तो आपको पटवारी के पास जाना है और सब कुछ फिजिकली वेरिफिकेशन करवाना है और तो और वहाँ से सब कुछ अगर फिजिकली वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया तो आपका जो है आसानी से यहाँ से हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से अपना जो है लैंड सीडिंग एस कर सकते हैं। और अगर तहसीलदार अगर पटवारी नहीं पता है तो तहसीलदार के पास भी आप जा सकते हैं या पीएम किसान का एक अधिक अधिकारी होता है अलग उसके पास भी आप जा सकते हैं। ये सब अपने सभी डॉक्यूमेंट्स लेके जैसे आधार कार्ड बंदी बीवन कचरा वगैरह लेकर जाएंगे तो आपका वो आसानी से कर देगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना ना बोलो। चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।